हेलो एवरीवन, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अमेजिंग ट्रिक्स टू मेमोराइज लार्वी विद रिलेटेड एनिमल्स एंड फाइला। आज के इस वीडियो में हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं सभी फाइला के एनिमल्स की और उनके रिलेटेड लार्वा की। ये एक ऐसी लिस्ट है जो सबसे पहले स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस पे अपलोड हो रही है, तो प्लीज आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लार्वा है क्या। द एक्टिव इमेच्योर फॉर्म ऑफ एन एनिमल स्पेशली वन दैट डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम द एडल्ट एंड फॉर्म्स द स्टेज बिटवीन एग एंड एडल्ट। लार्वा हमेशा एग और एडल्ट के बीच की स्टेज होती है जो कि सेक्सुअली फिजिकली मेच्योर नहीं होता और अपने एडल्ट से काफ़ी अलग दिखता है। सभी फाइला से रिलेटेड उसके एनिमल्स और उससे मिलने वाले लार्वा का नाम यहाँ हम बताएंगे और साथ ही साथ हम उसका इमेज भी आपको दिखाएंगे ताकि आप उस एनिमल को पहचान सकें। इसमें आप देख पा रहे हैं फाइलम ऑर्गेनिज्म और लार्वा की लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा, तीन ऑर्गेनिजम्स हैं साइकान, ल्यूकोसोलेनिया और हायर स्पंजेज। साइकान का लार्वा है एम्फीब्लास्टुला, ल्यूकोसोलेनिया का पेरेनकाइमुला और हायर स्पंजेज का रेगोन। इसके लिए जो आप ट्रिक बताएंगे वो है रैम्प, RHAMP। RH से हो जाएगा रेगोन, AM से एम्फीब्लास्टुला और P से पेरेनकाइमुला। फाइलम निडेरिया या इसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। एनिमल्स हैं ऑरेलिया, ओबेलिया और जेमारिया। इसके लिए जो ट्रिक है सेमेस्टर प्लान का हाइड्रेटेड इफेक्ट, आप नीचे से देखिए, सेमेस्टर से सिंपर्स लार्वा, प्लान से प्लेनुला का आप छोड़ देंगे, हाइड्रेटेड से हाइड्राट्यूबा और इफेक्ट से इफायरा। फाइलम टीनोफोरा में एक ही लार्वा है साइडीपीड लार्वा, तो ये आराम से याद हो जाएगा। प्लेटी हेलमेंथीज में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ लार्वा की संख्या ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले टीनिया का देख लीजिए। ट्रिक होगी ऑन हिज सिस्टर, ऑन से ओंकोस्फियर, हिज से हेक्साकैंथ और सिस्टर से सिस्टी सर्कस जिसे ब्लैडर वर्म भी कहते हैं। फिर फेसियोला हिपैटिका का देख लीजिए, स्पोर में मेरा शेर, SPO से हो जाएगा स्पोरोसिस्ट, RE से रेडिया, मे से मेटासर्केरिया, मेरा से मेरा सीडियम और शेर से सर्केरिया। प्लेनोसेरा का मुलर्स लार्वा अकेला है, याद कर सकते हैं आप। फिर निमैट हेलमेंथीज या एस हेलमेंथीज में आ जाते हैं। इसमें एनिमल्स हैं एनसाइलोस्टोमा, बुचरेरिया बैंक्रप्टाई और एस्केरिस। इसके लिए ट्रिक देख लीजिए फिल्मी रब, जी हाँ, फिल से हो गया फाइलेरी फार्म, मी से माइक्रोफाइलेरी और रब से रेबडिटी फार्म। इसके बाद एनिलिडा, एनिमल्स हैं नेरीस और पॉलीगॉर्डियस। ट्रिक इसके लिए होगी लव ट्रक, लव से लोवेंस लार्वा और ट्रक से ट्रोकोफोर लार्वा। फिर अर्थ्रोपोडा में आते हैं, ये सबसे बड़ा फाइलम है इसलिए इसमें एनिमल्स और लार्वा की संख्या भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एनिमल्स हैं स्क्विला, बटरफ्लाई, सिल्क मॉथ, लेपस, हर्मिट क्रैब, बीटल्स एंड हनी बी, हाउस फ्लाई, क्रैब, सिंपलेस्ट क्रस्टेशियन, रॉक लोबस्टर, लोबस्टर्स, मॉस्किटोज, प्रॉन, सेकुलाइना, लेमुलस, टिक्स एंड माइट्स, मे फ्लाई। यहाँ ज़्यादातर एनिमल्स के एक एक लार्वा हैं इसलिए आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ प्राण में लार्वी की संख्या ज़्यादा है इसलिए उसकी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। माई मेज पर मीना, माई से माइसिस, मे से मेटाजोइया, जय से जोइया, पर से प्रोटोजोइया, मे से मेटानोप्लियस और ना से नोप्लियस। इसके बाद मोलस्का फाइलम में आ जाते हैं। मोलस्का के लार्वा वाले एनिमल्स हैं यूनियो, जिसे फ्रेश वाटर मसल कहा जाता है, एम्फीन्यूरा, काइटान, डेंटेलियम और कुछ गैस्ट्रोपोड्स। लार्वा एक दो हैं इसलिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। एनिमल्स हैं सी क्यूकम्बर, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, इकाइनस और एंटीडॉन। और इनके लार्वा के लिए जो ट्रिक होगी और बिपिन ब्रो की एक डोली, इसमें और से आरिकुलेरिया, बिपिन से बाईपिनेरिया और BR से ब्रेकियोलेरिया, ओ से ओफियोप्ल्यूटस, एक से इकाइनोप्ल्यूटस और डोली से डोलियोलेरिया। इसके बाद हेमिकार्डेटा, केवल एक एनिमल ब्लेनोग्लासस, और फिर कार्डेटा, एनिमल्स हैं पेट्रोमाइजॉन, हर्डमानिया, एम्बिस्टोमा, फ्राग, एम्फ्यूमा। और इनके लार्वा के लिए जो ट्रिक है वो है आई एम एज टैक्स,
आई से यहाँ कुछ नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिए। आई एम से एमओ सीट, एस से एसीडियन टैडपोल और टी से टैडपोल, एक्स से एक्सोलोटल। इसके बाद कुछ माइनर फाइला भी हैं, जिनमें से चार माइनर फाइला के लार्वा ट्रोकोफोर हैं और अंतिम चार माइनर फाइला के लार्वा हैं साइफोन्यूट्स, एक्टिनोट्रोका, पिलीडियम लार्वा, इन्फ्योजोरी फार्म लार्वा। अगर आपको कुछ पूछना या बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।